बारी को, एक सीट आपकी, एक डब्बा आपका, इंजन आप ले जाए, सीट आपकी। डब्बों का कुछ डिजाइन बना रहा हूँ, आगे कुछ स्टिकर वगैरह लगाने। यहाँ पे हमारे स्टिकर सारे रेडी हो गए। 50 साल के बाबा जी ना रिटायर होके फुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई ट्रिप से तो वापस आ चुके हैं, मजेदार किस्म का ट्रिप रहा है हमारा। अब नेक्स्ट ट्रिप की भी प्लानिंग आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, जब तक नेक्स्ट ट्रिप नहीं होता तब तक इसी तरह के कैजुअल ब्लॉग्स आएंगे। आज का सीन कुछ इस तरह के बाइक की हालत आप लोगों को भी चेक कराता हूँ क्या हो गई है। ये देखो भाई, ये बाइक की हालत हुई है इस टाइम। 13 दिन की राइड में मैंने एक दिन भी बाइक धुलवाया नहीं है, तो फुल गंदा हुआ हुआ है। ये देखो, एक इसका, इसको धुलवाना है, इसका चेन साफ कराना है। आज के प्लान में तो इसको सिर्फ धुलवाना है, ऑयल चेंज की मेरे ख्याल में अभी ज़रूरत इसको नहीं है सच, लेकिन जो जो मेन ज़रूरियात वगैरह हैं, पेज वगैरह सारे टाइट कराने। और बाइक ज़बरदस्त रहा है यार, क्या इस बाइक ने परफॉर्म किया है, मैं कहता हूँ भाई मज़ा ही आ गया। बिल्कुल एक जगह पर भी हल्का सा भी कोई मसला नहीं हुआ। यार मज़ेदार किस्म की चीज़ है ये बाइक, मज़ेदार किस्म की, हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों के सामने ये भाई 13 दिन का इतना हार्ड टूर करके आए और इस बाइक ने कोई मसला नहीं किया। जब मैं निकला था तब मैंने नोट किया था कि भाई 1650 किलोमीटर हमारे हुए थे और अभी हो चुके हैं 4084 किलोमीटर। और पेट्रोल भी बिल्कुल एंड लगा हुआ है क्योंकि मैंने वो मैयर करना था, तो इस वजह से आखिरी पेट्रोल मैंने नहीं डलवाया। 4084 किलोमीटर, तो ये बनता है भाई साहब अराउंड तकरीबन ऑलमोस्ट हम लोगों ने अराउंड 2500 किलोमीटर की सोलो राइड की है ये वाली। क्या बात है भाई, इससे पिछली भी हमारी तकरीबन इतनी थी जो 12 दिन वाली थी, लेकिन उसमें दोस्त के साथ ये बिल्कुल सोलो थी। 2500 किलोमीटर फुल सोलो। भाई आज एक बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, देख रहे होंगे फुल रेडी शेडी हो चुका हूँ, वो इसलिए कि हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप ग्रो करता जा रहा है और एक अदद और बड़ा बाइक ऐड हो रहा है। जबरदस्त किस्म का बाइक है, कौन सा बाइक है कौन ले रहा है ये तो मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा, मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त ले रहा है। सो अभी सब शोरूम में पहुंच चुके हैं, मैं सिर्फ अभी तक घर में बस तैयार हो रहा था, बाइक शेक मेरा रेडी है, बस अभी जल्दी से निकलते हैं और फिर आगे जाके आप लोगों को बताते हैं कौन सा बाइक है कौन ले रहा है क्या सीन है। छोटी मोटी राइड भी हो सकता है करेंगे, कोई खाने पीने के लिए भी जाएंगे, तो बड़ा मजा आने वाला है, जुड़े रहना आप लोगों ने साथ, ठीक है ना। और हाँ एक बात और, हम लोग बाइक बड़ी जल्दी जल्दी में ले रहे हैं, उसकी भी एक वजह है कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की राइड हमारी स्टार्ट होने वाली है। चलो भाई मैं निकल चुका हूँ घर से, सबसे पहले काम करना है पेट्रोल डलवाना है। जब से स्कर्दू से आया हूँ मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया और पेट्रोल बिल्कुल एंड लगा हुआ है, बस आखिरी लाइट ब्लिंक कर रही है। पीछे एक पेट्रोल पम्प आया था लेकिन उसमें रश लगा हुआ था, मैंने डलवाया ही नहीं है, आगे से डलवा लेते हैं, इतना है चला जाएगा। चलो भाई पेट्रोल भी डलवा लिया है, वहाँ पे कैमरा ऑन करने का टाइम ही नहीं मिला, उधर रश पड़ा हुआ था, उधर इतवार बाज़ार लगा हुआ था यार बाइक्स का, तो जल्दी जल्दी से बस पेट्रोल डलवाया और निकलने वाली की है। बस अब आगे मरी रोड पे थोड़ा सा रश मिलेगा मुझे जिस तरह लग रहा है, उसके अलावा रेस्ट इज़ गुड। और जाना भी ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5-7 मिनट का ही आगे रास्ता है। मुबारक हो शाम भाई, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, एक सीट आपकी, एक डब्बा आपका, बाकी आपका इंजन आप ले जाएं, इंजन आप ले जाएं, पहले जो उतार के रख लीजिए, ठीक है सीट आपकी। चलो यार ये वर्का साहब ने लिया है बाइक, वर्का साहब कांग्रेचुलेशन सर, बड़े अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं, बाइक ले ली गरीब हो गई कल तक तो अमीर था ना, अभी आधे घंटा पहले का, आधे घंटे पहले खत्म। यार इसको जो डब्बा दिया है इन्होंने, मैं नाराज हूँ भाई, मैं शोरूम वालों से नाराज हूँ, इसको जो डब्बा दिया है इन्होंने, ये डब्बा गिफ्ट दे रहे हैं ना फिर, क्यों क्यों नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, बाइक लेके भागो। चलो भाई बाइक हो चुका है फुल रेडी, वर्का साहब तैयार है उड़ान भरने के लिए। वर्का साहब कैसा फील हो रहा है? बहुत मजा आएगा। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत गार्डन गार्डन हो रहा है। क्या खिला रहे हो फिर? बिरयानी। हां भाई गलत बात नहीं है, वो जो हमदा बट्टे की बिरयानी बन रही है रोज, वही वाली, वही वाली, वही वाली। वर्का साहब का बाइक लेके पहुंच चुके हैं हम लोग इमरान भाई के पास बड़े अरसे के बाद। देखो भाई ये अब अपनी यहाँ पे शोकियाँ स्टार्ट हैं, वर्का की लाइटें शाइटें वहाँ पे लग चुकी हैं, वो रही लाइट सेम जो मैंने लगाई हुई है, और ये कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मैं ये चीज़ नहीं लगाता क्योंकि वो मैंने रोड दिखानी होती है व्लॉग में, लेकिन मजे की चीज़ है यार। वर्का वैसे भी ऊँचा है, उड़ेगा तो फिर भी नहीं, वैसे ये ना भी लगाएं तो।
चलो भाई, वर्का साहब का बाइक हो चुका है रेडी, अभी हम निकल रहे हैं छोटी मोटी राइड पे। कोई पता नहीं है किधर जाना है। वर्का से पूछेंगे पहले पेट्रोल डलवाना है, वो डलवा ले। आए हाय हाय, ये ऊपर जो इसने स्क्रीन लगाई है ना, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है यार। साइड ये हुआ है कि हम लोग जा रहे हैं मरी एक्सप्रेस वे पे TDCP तक या उसके आस पास तक कहीं पर राइड करेंगे, उसके बाद कुछ खाना पीना करके तो हम आ जाएंगे वापसी। बस ये हम इसी वजह से कर रहे हैं राइड, वर्का साहब ने नया नया बाइक लिया है तो ज़रा पहली राइड तो बनती है ना। फिर पहली दफ़ा मैं इस बाइक को लेके जा रहा हूँ एक्सप्रेस वे पे मरी के, लेकिन आज संडे है, आई होप सो ज़्यादा रश ना हो। रश हुआ तो मज़ा नहीं आएगा एक्सप्रेस वे का। यहाँ पे देख के तो लग रहा है अच्छा खासा रश है, है ना सर? सर बड़ी तस्वीरें ले रहे हैं आज। हेलो। वो रहा ब्लू कलर और ये ब्लैक कलर, प्यारा लग रहा है यार। ब्लैक कलर भी बड़ा फिट है, मज़े का कलर है। चलो भाई, फाइनली यहाँ पे अलाउड हो गया है। आज मुझे पता लगे बिल्कुल अभी अभी, ये तो मोटरवे पे अलाउ कर दिया। मोटरवे क्या बाईपास जो है मरी वाला। ओए ओए ओए, क्या बात है। ये तो मैं KKS पे आ गया हूँ JSR पे। करते करते हम लोग आ गए हैं TDCP पे खजोट में। वर्का साहब, हाउ वाज द राइड? मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। मतलब लीनिंग करते हुए जरा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बड़ा मजा। अभी नया नया ना, लेकिन यार क्या क्या फिट लग रहा था। ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था कोई 50 साल के बाबा जी ना रिटायर होके फुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। अभी वर्का साहब हमें दे रहे हैं ट्रीट भाईजान, पता नहीं किस तरह ट्रीट देने लग पड़ा। मैं नहीं दे रहा, तकरीबन 2-3 साल से मेरी अच्छी खासी सही पकी दोस्ती, आज तक कभी इसने चाय नहीं पिलाई, टॉफी नहीं खिलाई। तो वो हर बंदा आपकी तरह नहीं होता ना, मैं ट्रीट देता हूँ। आपने कभी आपने ट्रीट दी नहीं है हमें? किस चीज की? बाइक की सर। वो मेरे पास तो बाइक आई नहीं, मेरे पास तो बाइक आई नहीं। ड्यू है अब्दुल्ला सर। ठीक है ठीक है, वो ट्रीट आपको मिलेगी जब मेरे साथ आप लोग इंटरनेशनल राइड पे ट्रीट दूंगा। कब जा रहे हो फिर? अगर इससे लेंगे तो फिर आपसे भी लेंगे, और फिर जब मैं अगर कोई लूंगा या जहन लेगा। नहीं, आपने तो लिया है। मेरा तो भाई पुरानी होगी ना आप लोगों की। फिर तो मेरी भी 6 महीने पुरानी होगी। चलो ये ठीक है, दिस इज गुड। हमने मंगवाया है जनाब 2 बोनलेस हांडियां मंगवाई हैं, हाँ, और साथ के मंगवाया है कबाब मंगवाया है। आज मजा आने वाला है। फिर ये आ गई भाई हमारी बोटियां, साथ अभी कढ़ाई आ रही है, अभी जल्दी जल्दी मंडते हैं। फिट किस्म का खाना पीना कर लिया है भाईजान, अभी वापसी की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी ठंड हो चुकी है, कुछ भी नहीं पहन के आए थे हम तो, वैसे ही बात बाइक की डिलीवरी लेने गए थे, यहाँ का प्लान बन गया। सारे सर्दी से काम पर हैं फिलहाल। ओके सर, अल्लाह हाफिज। बड़ी जल्दी राइड स्टार्ट होने वाली है, ये फ्रेम देख लें, ये तीनों बाइक जा रहे हैं इस राइड पे। ओके असलम भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कुछ ही दिनों बाद। 4-5 हॉर्न में हम पहुँच गए जी घर। ज़ैब भाई की शॉप पे आ गए, यहाँ पे ये है ज़ैब भाई की शॉप, रावल टंकी एंड मॉडल स्टिकर। डब्बों का कुछ डिज़ाइन बना रहा हूँ, आगे कुछ स्टिकर वगैरह लगाने हैं फिट फिट किस्म के। अभी डिज़ाइन मुझे पता नहीं है कौन सा लगाना है, बस जो आ गया आ गया। हमारे साथ बकर साहब यहाँ पे खड़े हैं, और यहाँ पे रहे जी ज़ैब साहब। ज़ैब साहब कैसे हो? ठीक ठाक, शुक्र। फिट फाट, क्या बना रहे हो फिर आज? बाइक तैयार करना है, सही है ना? डब्बों में ये जो एक्स बना हुआ है ना, ये डब्बों में पहले से डिज़ाइन आता है कंपनी की तरफ से, ये जो एक्स वगैरह सा बना हुआ है ना, इसको हम इसी रंग में रहने देंगे, और ये बाकी जो है ना इसको ब्लैक कर देंगे। वैसे तो हमने एक्स को ब्लैक करना था, लेकिन इन्होंने ये नीचे ये जो पट्टी दी हुई है ना, ये ब्लैक की हुई है, तो ये मज़ा नहीं करेगी। और यहाँ से हम साइक्लोन निकालेंगे और यहाँ पर कुछ और लिखेंगे कोई फिट सा मज़े का। इलेक्शन के दिन चल रहे हैं, परसों इलेक्शन हैं, ये चेक करो हर जगह बोर्ड ही बोर्ड, जिधर देखो बाप बोर्ड ही बोर्ड, एक ही बंदे के 10-10 बोर्ड लगे हुए हैं हर जगह पे। और यहाँ पे काम भी चल रहा है, अभी डब्बे का कुछ डिज़ाइन सोच रहे हैं, कभी ब्लू सोच रहे हैं, कभी ब्लैक सोच रहे हैं, अब देखते हैं कौन सा करते हैं, जो मज़े का आएगा। मेरा दिल है कि बीच में ब्लू भी डालें, ब्लैक भी डालें, और कुछ और एक दो ग्रे भी डाल दें शायद। अभी ये डब्बा खोल रहे हैं, साइड वाले डब्बे दोनों खोल के इसको अंदर लेके जाके आराम से काम करेंगे। बाकी जो बनेली शनेली होते हैं ना, उसके आराम से उतर आते हैं, इसमें ये 4 पेज लगे हुए हैं, वो पेज खोलेंगे तब उतरेंगे। फिर भी इतना लंबा सिस्टम नहीं है, हल्का से किया डब्बा उतार के ये कुछ इस तरह का लगता है। ये जो जगह बनी हुई है ना, 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ पे पेज लग जाते हैं, इसके पीछे नट बैठते हैं। यहाँ पे
हमारे स्टिकर सारे रेडी हो गए ये डब्बों के लिए। यहाँ पे और एक ये बड़ा मजे का स्टिकर है, इस पे जूम करना था भाई। ये देखो वार्निंग यू आर नॉट अब्दुल्ला सिंह, ये आगे टंगी भी लगाएंगे हम। और ये इस तरह का कुछ डिजाइन है बॉक्स का, ये चेक करो यार कितना बैठा है, ये सही लग रहा है बाइक के साथ है ये स्टिकर। ये अब रिफ्लेक्टर है इस वजह से ये बहुत तेज हो रहा था, वार्निंग यू आर नॉट अब्दुल्ला सिंह। और ये बिल्कुल इसके साथ जो है ना एक बैठ गया स्टिकर। इधर ये हमने RX3 लगा दी है, इस साइड पे ये मैंने अब्दुल्ला सिंह लगा रहा है। बस बाइक ऑलमोस्ट डन हो गया, ये आ गया भाई हमारा बाइक फुल रेडी होके। वैसे मैं टूर करके आ चुका हूँ, पहले मैं वीडियो बनाना भूल गया था, तो इस वजह से जो यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह थे ना वो टूर पे उतर गए, वो यहाँ पे ज़्यादा चिपकते नहीं है, तो वो डिज़ाइन इतने पतले पतले थे ना, वो थोड़े थोड़े उखड़े थे तो वो मैंने उतार दिए थे। बाकी ये यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, एक जगह पे मैप था और एक जगह पे जो है ना बाइक सा बना हुआ था पूरा। अभी हम सिंध का टूर करके वापस आए, तो अब अगली वीडियो जो है ना वो सिंध के टूर की आएंगी। इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर खत्म, होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। विद दैट सेड बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। I think I'll let it be.